किया। अब आराम करो और सुरक्षित रहो। महाबलासुर ने रहस्यवादियों से संभव है। सावधान राजी, ये जीव तेजी और गुप्तता के लिए पाले जाते हैं। इससे आपको खुशी होगी युद्ध की देवी। लेकिन इनसे नहीं, ये असुर हैं। मुझे इन रहस्यवादियों या इनके सरदार पर भरोसा नहीं है। महाबलासुर कभी उनमें से एक था। उसने बहुत पहले ही मानवता का साथ छोड़ दिया है। रहस्यवादियों का होना भगवान शिव के इस दुनिया के संतुलन का हिस्सा है। मानव कमजोर हो गए हैं और असुर शक्तिशाली हो गए हैं। संतुलन बना रहना चाहिए। शिव को कुछ करना होगा। देखिए महाबलासुर ने कितना विनाश किया है और अब भी कर सकता है। आपको ऐसा क्यों लगा कि भगवान शिव कुछ नहीं कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि जब राजी की सबसे ज्यादा जरूरत थी उसे कौन लेकर आया? आपको क्या लगता है कि उसका भाई ही क्यों उठाया गया?
ये असुरों के युद्ध का कुल चिन्ह है, एक बुरी शक्ति जिससे बहुत सारे जीवों को बुलाया जाता है। राजी को सावधान रहना होगा। Thank you.
रहता है। अब जो होगा उसका सामना हम मिलकर करेंगे। आपने भगवान शिव के कुछ करने के बारे में कहा था। ये उनका मंदिर है। ये संयोग नहीं है कि राजी ने खुद को यहाँ पाया। ये तो समय बताए। Thank you.
शिव, महादेव, क्या आपने मुझे यहाँ बुलाया है? मैं इस युद्ध को कैसे रोककर अपने भाई को बचा सकती हूँ? महादेव, मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगी।